सकती है। केजी के साथ इतना प्यारा सा रिश्ता बन गया है कि सिर्फ आलम का। तो आप सबसे मैं यही गुजारिश करूंगी कि प्यार दे पना को आप इतना दूर तक लेके जाएं कि हमारी कोशिश कामयाब हो और लीगली लोग डाउनलोड करें, इसको खरीदे। अच्छा म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ सारे के सारे लोग इतने साफ दिल के जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट में, तो मुझे लगता है सबकी दुआएं भी हमारे साथ रहेंगी। एंड देयर आर मेनी पीपल आई कैन थैंक बट आई डोंट वांट टू टेक मोर टाइम बिकॉज़ वी आर डेस्परेट टू लिसन टू म्यूजिक। एंड राहुल इज सच अ स्वीट हार्ट, इतनी तारीफ करने की मैं अपने बारे में सोचती ही रह गई, अब क्या बोलूं। शुक्रिया आप सब यहाँ आए, शुक्रिया। और आई एम वेरी श्योर यू गोइंग टू लव द म्यूजिक दैट विल कम टू यू। जैस्मिन शर्मा इज अमेजिंग, ये कुछ अलग ही एक है, वन पीस खुदा ने बनाया जो, तो उसका दुख उठाएंगे आप और दूर दूर तक ये लेके जाएं कि जब दिल से कोई काम करता है वो उसकी मौसीकी में साफ रिफ्लेक्ट होता है, ये दिल से गाता है। हमने साथ बैठ कर यूं ही बस हारमोनियम उठाया और पाँच मिनट में उनके भाई बड़े भाई, उफ क्या हारमोनियम है और क्या अकॉर्डियन है। तो कोशिश की है हमने कि थोड़ा रिवायती लेकिन थोड़ा मॉडर्न, कुछ एक ऐसा मिक्सचर हो कि आज के लोग भी जुड़े लेकिन रिवायत जो गजल की है वो भी इंटैक्ट रहे। तो हमारी कोशिश को ज़रूर कामयाब कीजिएगा, प्यार बेपना से बेपना प्यार करके एक ही जगह दस दस खरीदना, सबको देना जितनी करी। दो चार शब्द भी नहीं बोल सकते चार साल में, और इन्होंने अपनी मौसीकी की ट्रेनिंग शुरू करी। इनकी शुरुआत हुई श्री विजय सचदेवा, मेरे भाई हैं छोटे कुनाल पंडित, उन्होंने एक नज़म जो हमारी है प्यार में उसका अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा किया है। और बस यही है, और सब लोगों का बहुत बहुत थैंक्स अमिता मैम का जिनका ये कंसर्ट है, के जे सर का, उन्होंने बहुत ही अच्छा मिक्स किया है और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी भी लग सकती थी माइक पर। और बस यही है कि आप सब लोग इस एल्बम को प्यार करें और सुने और बेपना प्यार आप सब लोगों का चाहिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मेरे गुरु जी श्री सुनील सेठ जी बेसिकली इज फ्रॉम बठिंडा, उनकी इस एल्बम में एक गज़ल है बन गए दिल के फसाने क्या क्या, और वो उस गज़ल की कंपोजिशन इसके लिए उन्होंने की है। और अभी मैं खुद उनको याद कर रहा हूँ, अगर वो भी होते तो उनको बहुत अच्छा लगता। और ये बिल्कुल, और मेरी जो भी म्यूज़िक की जर्नी है उनमें उनका बहुत योगदान है, उनकी गाइडेंस मुझे हमेशा रही है। और मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ रिजवी साहब का, दीपक सर का, गुलाम सर का, और सभी इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हैं, सारे अपने ही हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए अब आगे का शुरू करूँ। थैंक यू सो मच। जो इन्होंने कहा, मैं क्योंकि 10 सेकंड एग्जैक्टली में कमरान अख्तर एक्टर ऑल दीज थिंग्स, तो ये ओपन कम्युनिकेशन है आपके और हमारे बीच में, एंड वी शुड कंटिन्यू दैट एज मच एज पॉसिबल ऑन द वेबसाइट विदाउट मच। सर बिल्कुल जिस तरह चाहे कर्म फरमाइए, जिस तरह चाहे कर्म फरमाइए, दिल में रहिए दर्द बनते जाइए। एक्चुअली दोस्तों ये बड़ी हिम्मत की बात है, इस दौर में अच्छी गजल की याद दिलाना। देखिए बहुत कुछ चल रहा है, आप सबको मालूम है, अब जबान की बात करें, गजल कहना, गम कहना, ये भी बहुत इनको ध्यान रखना पड़ेगा, ये और ये रखते हुए तभी गजल गाते हैं। दूसरा शेर अमिता जी के लिए, एक लफ्ज़ है सरसर, सरसर का मतलब है आंधी, मौजे सरसर की तरह दिल से गुजर जाओगी, मौजे सरसर की तरह दिल से गुजर जाओगी, किसको मालूम था तुम दिल में उतर जाओगे। तो ये ज़बान की बातें हैं, मैं उस घराने से हूँ, मैं देवसन साहब का भतीजा हूँ और उसी घराने से मैं उनका शागिर्द भी हूँ, वैसे
राजस्थान के जो कलावंत लोग हैं उनमें से हम लोग। ये बच्चों को मेरी तो मैंने सुना है इनको बहुत पहले नहीं बेटी एक बार हाँ यानी बहुत उस्ताद है काम मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह करे इसी तरह गाते रहें और अच्छा गाते रहें और अच्छा गाते रहें और उनकी आवाज़ को अल्लाह सलामत रखे। मेरी थैंक यू शुक्रिया रजी सर कमाल पर्सन आई वांट सर रहिए रहिए सर ड्रेसिंग थोड़ी लंबी है ये साहब के जे सिंह यानी कबूल कर इनको आप कबूल कीजिए वाकई ये बोलते भी इतने अच्छा है मेरे आप ही ने जो कुछ किया आपने किया है तो बहुत अच्छा है जी शुक्रिया। The other person I would like to call here for to bless Jasmine is somebody we've all heard. I don't know if you know and connect the name, but हमने अपनी आवाज के जादूगर जो है हमारी हिंदुस्तान में रिप्रेजेंट प्लीज रिजी थैंक यू सो मच रिजी फॉर कमिंग। वैसे एक बात करा दूँ अगर किसी को कोई तकलीफ हो कोई बीमारी हो पूछो संडे को इनका होम्योपैथी क्लिनिक खुला होगा फ्री में है आप जा सकते हैं वहाँ आप तो आप जा सकते हैं आप रुकिए The other person I would like to call Khan Saab, please आइए और एक और जो शख्स हैं जो जैसे एसपी साहब ने बिल्कुल सही इशारा किया ठीक है जी इनके पास नहीं हो प्लीज ले लीजिए थैंक यू आपके पास नहीं आ रहे अमिता जी को चाहते हैं